Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट के सांसद अफजाल अंसारी की कुर्सी जाते ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो चढ़ाई करने लगे हैं। पूरा जानकारी क्या है, चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दरअसल बात करें तो गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को बीते शनिवार यानी कि 29 अप्रैल को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। उसी दिन मुख्तार अंसारी को भी 10 साल की सजा और 5,00,000 रुपए से जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद से उनकी चर्चा नगर निकाय चुनाव में भी देखने लगी है। अब इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सोमवार को जब भारतीय जनता पार्टी के आयोजित नुक्कड़ सभा कार्यक्रम में पार्टी के MLC विशाल सिंह चंचल ने कहा कि 2019 और 2022 के चुनाव में हम हार गए, लेकिन परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। हमारे इस मुकदमे की तारीख कब? MLC विशाल सिंह चलचल ने कहा कि 28 अप्रैल को एक कार्यक्रम में मैंने कहा था कि आपने ऐसा सांसद चुन लिया है जो पोटली खोलकर 4 सालों तक किसका शादी और लगन है यह नहीं देखते थे, सिर्फ यह देखते थे कि हमारी इस मुकदमे की तारीख कब है। उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकर्ता से बात नहीं करते थे, बल्कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात करते थे। मैंने उस दिन बात कही थी और 29 तारीख को निर्णय आ गया। अपने पूरे 4 साल के कार्यकाल में वो अपनी एक भी चीजें बता दे, वह सिर्फ प्रधानमंत्री के सड़क योजना बनवाते थे। वह प्रधानमंत्री का नाम कैसे ले? MLC विशाल सिंह चंचल ने कहा कि जनता से कहते थे कि मैंने 200 किलोमीटर और 220 किलोमीटर का सड़क बनवा दिया है, लेकिन वह योजना भी प्रधानमंत्री से ही संचालित होती है, लेकिन वह प्रधानमंत्री का नाम कैसे ले? साल 2022 का चुनाव की बात करें तो हमारी बहन संगीता बलवंत चुनाव लड़ी थी, लेकिन कुछ कमी की वजह से चुनाव हार गई। उन्होंने कहा कि नहीं तो हमारी बहन आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री होती। आज आपने एक विधायक चुन लिया है, उनका भी बस यही काम है, वो अपनी पोटली उठाकर बस यही देखते हैं, भले ही किसी की शादी ब्याह में ना जाए, लेकिन 13वीं 12वीं किसी की नहीं छूटनी चाहिए। आपको नाली साफ कराने में भी कई बार सोचना पड़ेगा। MLC विशाल सिंह चलचल ने कहा कि इस दौरान कोई काम बता दे तो सीधा कह देते हैं हमारी सरकार नहीं है, क्या करें। इसलिए आने वाले समय में आपने ऐसा निर्णय लिया है तो आपकी गली नाली जो है साफ कराने में भी कई बार सोचना पड़ेगा। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं तैयारी करने लगे हैं और अफजल अंसारी पर कसकर शिकंजा भी कसे हैं। बाकी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।